नए टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है FDCS वर्ज़न 3.0 मींस माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल एंड फॉल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम MPCS वर्ज़न 3.0, जो कि हमारा सभी नए इलेक्ट्रो लोकोमोटिव्स के अंदर एक अपग्रेडेशन की जा रही है। तो पहले हम FDCS वर्ज़न 2.0 से तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन है, हम उसके बारे में जानते हैं, बट FDCS वर्ज़न 3 को थोड़ा और आसानी से समझने के लिए इस वीडियो को जो बनाया गया है, इसको बनाने का यही पर्पस है। तो FDCS वर्ज़न 3.0 के अंदर जो हमारा DDU है, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, वो इस तरह का रहेगा। इस तरह की जो डिस्प्ले स्क्रीन है, 10.4 इंच की TFT स्क्रीन हमें इलेक्ट्रो लोकोमोटिव्स के अंदर देखने को मिलती है, दोनों कैब्स के अंदर। और अगर हम कंपैरिजन करना चाहें वर्ज़न 2.0 के साथ, तो 2.0 के अंदर हमें इस टाइप की जो डिस्प्ले है जो हमें देखने को मिल रही है। तो हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो चुका है। FDCS वर्ज़न 3.0 के अंदर जो है हमें 10.4 इंच की TFT स्क्रीन देखने को मिलेगी। इसके अंदर हमें सॉफ्ट कीज़ भी जो है सा देखने को मिलेंगी, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और जो राइट साइड के अंदर हमें मेन्यू कीज़ हैं ये देखने को मिलेंगी। और जो राइट साइड टॉप पोर्शन, हमें दो लैंप्स मिलेंगे, फर्स्ट है LSFI और सेकंड है LSVW, और इसके नीचे हमें एक पुश बटन है BPFA फॉल्ट एक्नॉलेज करने के लिए, ये देखने को मिलता है हमें। इस डिस्प्ले के बारे में हमें पता ही है, हम सब देखते ही हैं, और माइक्रो प्रोसेसर की जो वर्किंग है उसके अंदर हमें पता है कि एक इनपुट है, कोई भी इनपुट, वो हम एक प्रोसेसर को जब सेंड करेंगे वो उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने मोबाइल के अंदर जब कोई इनपुट देते हैं, अपना किसी आइकन को प्रेस करते हैं, तो वो हमें आउटपुट देता है, उसका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। सिमिलरली इसके अंदर भी इनपुट कार्ड्स लगे हुए हैं, और देन माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है और आउटपुट कार्ड्स है। तो इतना डीप ना जाते हुए सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे इस कॉन्सेप्ट का। तो FDCS वर्ज़न 2 हमें यहाँ देखने को मिल रही है। देन इसके बेनिफिट्स क्या हैं FDCS वर्ज़न 3 के, बेनिफिट्स देखते हैं। फर्स्ट जो है, इन बिल्ट VCD एंड आइसोलेशन ऑफ VCD बाय सॉफ्टवेयर। जो इसके अंदर VCD है वो इन बिल्ट ही इसके अंदर एड ऑन कर दी गई है, इसके अंदर ही इंक्लूड कर दी गई है VCD का जो सिस्टम है, और जो उसकी आइसोलेशन है उसको जो आइसोलेट करना है वो VCD का बाय सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो है रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग मेजरमेंट ऑफ सेफ्टी पैरामीटर्स लाइक ब्रेक पाइप एंड ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। तो इसका मीनिंग है कि जो इसका कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जो शेड इसके अंदर कंट्रोल सेंटर बनाया गया रिमोट मॉनिटरिंग के लिए, जो अब हमारा इलेक्ट्रो लोकोमोटिव एक्चुअल वर्किंग कर रहा है, तो उसकी एक्चुअल पैरामीटर्स किसी भी टाइम के अगर हमें चाहिए तो वो इसकी रिमोट मॉनिटरिंग हो रही है वो हम देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि हम ब्रेक पाइप और ब्रेक सिलेंडर प्रेशर अगर देखना चाहते हैं किसी भी मोमेंट पे, किसी भी पॉइंट पे, तो कंट्रोल सेंटर पे हम एक्सेस कर सकते हैं। और भी फैसिलिटीज़ हैं जो हम ऑन द स्पॉट एक्सेस कर सकते हैं कि लोको के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स की क्या वैल्यू है। तो ये सेकंड बेनिफिट है। देन थर्ड बेनिफिट जो है, वेजिंग ऑफ रिले Q118, Qcon, Q50 एंड QCVAR विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट कीज़। तो जो हमने सॉफ्ट कीज़ देखी थी डिस्प्ले के ऊपर 1, 2 से लेके 0 तक, तो उसके अंदर क्या है कि हम जो हमारी सॉफ्ट कीज़ डिफ़ाइन की गई हैं इन रिलेज़ को वेज करने के लिए, Q118, Qcon, Q50 एंड QCVR, तो हम सॉफ्ट की से ही वेजिंग कर सकते हैं, एज़ कंपेयर टू जो हम कन्वेंशनल मेथड था एक वेज लगा के
रिले को वेज करते थे, तो इजीली हम बाय प्रेसिंग दीज सॉफ्ट कीज़ हम इजीली वेज कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। जो लास्ट बेनिफिट है वो है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज एंड इंटरलॉक्स। तो हमने रिलेज को रिमूव कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, इंटरलॉक्स को ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्ड्स यूज़ किए गए हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, और हमने प्रोसेसर यूज़ किया है, तो ये जो है इसका लास्ट बेनिफिट है। देन हमारे पास LSFI एंड LSVW लैम्प थे जो हमने देखे थे, वो हमें उसका क्या मीनिंग है। LSFI हमें रेड LED लैम्प फॉर लोकोमोटिव फॉल्ट्स, अगर लोकोमोटिव में कोई फॉल्ट आएगा तो रेड कलर में LSFI ब्लिंक करेगी, एंड LSVW येलो LED लैम्प फॉर विजिलेंस वार्निंग, जब हमारी VCD जो है वार्न करने के लिए LSVW जो है ब्लिंक करेगी। देन ये जो है हमारी मेन स्क्रीन, ये हम मेन स्क्रीन देख रहे हैं, इसके अंदर इस तरह की मेन स्क्रीन हमें लोकोमोटिव के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारा लोको नंबर मेंशन होगा, देन टाइम, देन डेट, यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन वन, सॉफ्टवेयर वर्जन वन भी आता है, देन आइसोलेशन स्टेटस, अगर हमारी Q51 वेज है तो उसका स्टेटस यहाँ पे दिखाता है, ये जहाँ पे नील लिखा हुआ है। देन यहाँ पे हमारी नॉच नंबर, कितनी नॉच पे हमारी जो है लोको मूव कर रहा है। देन ये नीचे जो है हमारे सॉफ्ट कीज़ को डिफाइन करने वाले फंक्शन है, फॉर एग्जांपल नंबर वन पे जैसे मेन मेन्यू होगा, नंबर टू पे क्रू मैसेज, तो इसी तरह से जो नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि कौन सी सॉफ्ट की क्या फंक्शन को डिफाइन कर रही है। देन हम अब सॉफ्ट कीज़ के बारे में देख लेते हैं, जो हमारी ये 1, 2, 3 से लेके 0 तक सॉफ्ट कीज़ है, इसको यहाँ पे हमने ये एक कॉलम में डिस्क्राइब किया है कि नंबर वन मेन मेन्यू, नंबर टू क्रू मैसेज, नंबर थ्री लोको पायलट इन्फो, नंबर फोर लोको स्टेटस, नंबर फाइव आइसोलेशन स्टेटस, नंबर सिक्स सेटिंग, नंबर सेवन Q50 बाईपास, नंबर एट Q-Con बाईपास, नंबर नाइन Q-CVR बाईपास, और 0 Q118 बाईपास। देन यहाँ पे हम मेन मेन्यू कीज़ हैं जो दे रखी हैं, इसको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है M4 मेन मेन्यू की, F फॉल्ट डिस्प्ले की, ये बैक की होगी हमारी, देन एंटर की, और ये एरो कीज़ होगी, और LSFI VW BPFA। अब हम मेन मेन्यू को जब प्रेस करेंगे, जैसे ही हमने M की को प्रेस किया, तो हमारे पास ये फोर ऑप्शंस आएंगे, व्हीकल डायग्नोस्टिक, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल कंसिस्ट, यूनिट इन्फॉर्मेशन, और फोर्थ है एग्ज़िट। तो अब एक एक ऑप्शन के अंदर एंटर करेंगे, जैसे ही हमने व्हीकल डायग्नोस्टिक के अंदर एंटर किया, तो उसके अंदर फिर दोबारा से चार ऑप्शन आएंगे, डायग्नोस्टिक डाटा, आइसोलेशन एंड वेजिंग स्टेटस, ब्राउज मोड एंड एग्ज़िट। अब डायग्नोस्टिक डाटा के अंदर एंटर करते हैं, तो इसके अंदर ये हमारे पास डिस्प्ले आ गई है डायग्नोस्टिक डाटा की, इसके अंदर जो हमारे फॉल्ट मैसेजेस आए थे, किस डेट को क्या क्या फॉल्ट मैसेज आया था, उसका क्या डायग्नोस्टिक कोड था, हर एक फॉल्ट मैसेज का एक अपना डायग्नोस्टिक कोड डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल्ट मैसेज है DJ tripped via QRSI 1, तो ये जो यहाँ पे डाटा पैक है, यहाँ पे उसकी TSD होती है, हम यहाँ पे क्लिक करके उसकी TSD देख सकते हैं, तो ये हमें जो प्रीवियस फॉल्ट की इन्फॉर्मेशन डायग्नोस्टिक डाटा से हमें मिलेगी। देन नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोलेशंस, ये भी इम्पोर्टेंट है आइसोलेशंस, आइसोलेशन एंड वेजिंग स्टेटस के अंदर हमें फर्स्ट है VCD स्टेटस के बारे में बता रहा है कि एक्टिव है या आइसोलेटेड है। देन TM आइसोलेशन स्टेटस, कोई TM तो आइसोलेट अगर नहीं है, यहाँ पे नो आइसोलेशन दिखा रहा है। देन HPAR एक्टिव है या आइसोलेटेड है, HVRH की पोजीशन 2 पर है, HVMT पोजीशन 2, HVMT पोजीशन 2, और नीचे Q118 वेज, Q-CVR वेज, तो हमें इसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये जो हमारी रिलेज हैं इनमें कौन कौन सी वेज हैं और कौन सी नॉट वेज्ड हैं,
और ऊपर हमें आइसोलेशन के बारे में बता दिया कि क्या क्या हमारा आइसोलेट है और किसकी किस स्विच की पोजीशन कहाँ पे है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है एक फीचर है आइसोलेशन एंड वेजिंग स्टेटस। इसके बारे में हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो हमारी सॉफ्ट की नंबर 5 है ना, उसको हम जब प्रेस करते हैं, ये नीचे हमारे पास आइसोलेशन एंड आइसोलेशन स्टेटस जो कि नंबर 5 की सॉफ्ट की डिफाइन करती है, उसको डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो ये स्क्रीन हमें एकदम से ओपन हो जाती है। तो जैसे ही हम चार्ज लेते हैं तो हम 5 नंबर की प्रेस करके हम देख सकते हैं कि कुछ वेज तो नहीं है, कुछ रिले वेज तो नहीं है, या VCD डीएक्टिव हो, आइसोलेटेड हो, या स्विच पोजीशन किसी दूसरी पोजीशन पे हो। तो एक हम फास्टली हम चार्ज लेते हुए देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे लोग को कि उस टाइम। देन हमारा ब्राउज मोड आ गया, ब्राउज मोड के अंदर हम एंटर करेंगे तो इसके अंदर हमें ब्राउज मोड के अंदर फॉल्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी, बाय डेट एंड टाइम एंड बाय फॉल्ट कोड। तो किस डेट को अगर हमें कुछ चेक करना है, फॉल्ट डेट डाल सकते हैं, देन फॉल्ट कोड भी एंटर कर सकते हैं, उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन सेकंड ऑप्शन था प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर एंटर करेंगे तो हमें 7 ऑप्शन फिर दोबारा मिलेंगे। फर्स्ट है डिजिटल इनपुट डिस्प्ले, तो इसको देखते हैं डिजिटल इनपुट डिस्प्ले को। तो इसके अंदर हमें ये इनपुट कार्ड हैं जो हमारे, कि कौन कौन सी इनपुट हमें मिल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल BP1DJ ऑन कंडीशन में है तो ग्रीन कलर का, जो ये ब्राइट ग्रीन कलर यहाँ पे ऑन हमें डिस्प्ले हो रहा है। QVRH ऑफ कलर में है तो हमें रेड कंडीशन में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सभी हम देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की इनपुट हमें मिल रही है, तो उसके बारे में हमें ऑन ऑफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है। हम यहाँ देख सकते हैं HMCS 1 2 ऑन है तो हमें ऑन यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये इनपुट डिजिटली इनपुट जो है हमें इस स्क्रीन से देखने को मिलेगी कि कौन सा फंक्शन हमारा ऑन है, कौन सा ऑफ है। नेक्स्ट एलिमिनेटेड रिले स्टेटस, एलिमिनेटेड रिले स्टेटस हमें बताएगा कि कौन कौन सी रिले एलिमिनेट हुई हैं इस लोको के अंदर। फॉर एग्जांपल Q46 ऑफ दिखा रहा है तो मीन्स एलिमिनेटेड है, QF1 ऑफ दिखा रहा है मीन्स एलिमिनेटेड है, QF2 ऑफ कंडीशन मीन्स एलिमिनेटेड है। देन हम एनालॉग पैरामीटर डिस्प्ले देखते हैं। एनालॉग पैरामीटर डिस्प्ले भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देती है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं चार्ज लेते हुए या वर्किंग के दौरान। तो इसके अंदर हमें TM वोल्टेज इन दिखाएगा, कितनी TM वोल्टेज हम दे रहे हैं, CHBA वोल्टेज कितनी है, SIV वोल्टेज, OHE वोल्टेज, कोई ऑग्जिलरी वेज, एंड देन TM को कितना करंट दे रहे हैं, सभी TM का करंट, ब्रेक पाइप प्रेशर, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। तो एनालॉग पैरामीटर्स डिस्प्ले के अंदर हमें ये सब देखने को मिलेगा। देन हम लोको यूटिलाइजेशन डाटा, लोको यूटिलाइजेशन डाटा के अंदर जो हमारा कितना लोको यूज़ हुआ है, कितना उसको हमने यूटिलाइज़ किया, वो सब इंफॉर्मेशन हमें और लोको लाइफ टाइम डाटा स्क्रीन के अंदर देखने को मिलेगी। देन हमारा थर्ड ऑप्शन था जो मल्टीपल यूनिट इंफॉर्मेशन, इसके अंदर हमें लीडिंग लोको का क्या लोको नंबर है, किस टाइप का, और ट्रेलिंग लोको किस टाइप का और किस नंबर है, उसका क्या नंबर है, ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देन हम क्रू मैसेज है, क्रू मैसेज देख सकते हैं, इसकी डायरेक्ट की भी है जो सॉफ्ट की नंबर 2 दबाकर हम क्रू मैसेज को चेक कर सकते हैं। देन हम फॉल्ट मैसेजेस जो डिस्प्ले के अंदर आएंगे उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉल्ट मैसेज आया DJ ट्रिप्ड वाया QOP1, तो इसकी TSD हमें साथ की साथ देखने को मिली यहाँ पर ही डिस्प्ले के अंदर। चेक अदर सेफ्टी रिलेज QRSI 1 2 एंड QLM, इफ देयर इज़ QLM फॉलो लोकल इंस्ट्रक्शंस, इफ देयर इज़ नो QLM रीसेट QOP1 टारगेट एंड रिज्यूम नॉर्मल ट्रैक्शन, इफ HMCS1 एट पोजिशन 1 आइसोलेट फॉल्टी TM बाई HMCS1। तो अगर फॉर एग्जांपल हम वर्किंग के अंदर कोई ट्रबल आती है तो साथ की साथ मैसेज आ गया हमारे पास DJ ट्रिप्ड वाया QOP1,
तो उसकी हमें TSD भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हम इसके अकॉर्डिंग TSD जो करेंगे और देन इसको एक्नॉलेज कर सकते हैं प्रेस BPFA प्रेस करके। तो अब इस TSD को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ कि जो यहाँ पे ये पूरा टेबल दिखाया है इसके अंदर यहाँ पे जो TSD हैं जितने भी फॉल्ट कोड हैं वो सभी इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट डाल रखे हैं। जो जितने भी फॉल्ट आएंगे वो सभी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जांपल सब सिस्टम के अंदर जो हमारा मेन पावर सर्किट सब सिस्टम हमारा मेन पावर सर्किट इसका डायग्नोस्टिक कोड 1 है। हमने पहले भी देखा था डायग्नोस्टिक कोड सभी के लिए डिफाइन कर रखा है। तो इसके अंदर फॉल्ट आया DJ ट्रिप्ड वाया QP1। तो इसका जो फर्स्ट एक्शन है ये जो फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन ये हमें डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले पे आएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमने TSD करनी है। तो इस तरह के सभी जितने भी फॉल्ट कोड हैं वो सब इसके माइक्रो प्रोसेसर लोको के अंदर इनबिल्ट जो है इंस्टॉल्ड है। तो हमें मैसेज आ जाता है फॉर एग्जांपल DJ ट्रिप्ड वाया QP2। तो हमने एक्शन 1 और 2 के अकॉर्डिंग जो हमें TSD डिस्प्ले होगी हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। देन Q118 बाईपास करनी है अगर तो उसके लिए हमें सॉफ्ट की जीरो दे रखी है डिफाइन कर रखी है। हम प्रेस करेंगे 0 to bypass Q118। देन उसके बाद हमें कंफर्मेशन दे लेगा हमसे कि कंफर्म करिए बाईपास करने के लिए। प्रेस करेंगे Q1 और अगर नहीं करनी तो कैंसिल करेंगे Q2। अब जो एक इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास यहाँ पे 2 L1 और L2 जो है लैंप दे रखे हैं। छोटे छोटे साइज के 2 इंडिकेशन लैंप हैं। तो इनको देने का क्या पर्पस है? तो जैसे ही हमारा अगर कॉन्टेक्टर C101234567 के अंदर शॉर्ट सर्किट होगा तो L1 और L2 फ्लैशिंग होगी। तो L1 और L2 जो है इनकी इंडिकेशन आएगी यहाँ पे। तो इसकी इंडिकेशन आने पर हमारे पास इसकी TSD है उसको देखते हैं। L1 L2 फ्लैशिंग की जो TSD है उसके अंदर क्या करना है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट लगी हुई है उसके साथ ही यहाँ पे CPU के साथ एक मेन कंट्रोल यूनिट लगी हुई है। इस मेन कंट्रोल यूनिट को हम ओपन करेंगे। ये फर्स्ट स्क्रू है, ये सेकंड स्क्रू है। इन दोनों स्क्रू को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है MCB DOP 1 और DOP 4 ये हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक पुश बटन है। तो L1 L2 फ्लैशिंग के अंदर जो हमारी DOP 1 और 4 है इनमें से कोई MCB अगर ट्रिप्ड कंडीशन है में है तो उसको एक बार हम रीसेट करेंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी यहाँ से। देन अगर इंटरनल फॉल्ट आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो उस केस के अंदर भी हमें ये मेन कंट्रोल यूनिट ओपन करनी है। यहाँ पे पुश बटन दे रखा है BPMR, इसको हम 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो रीबूट कर जाएगा। देन इस प्रॉब्लम को हम यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा एक ओवरव्यू देने का जो पर्पस था कि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हम जिससे फास्टली अपनी ट्रबल शूटिंग कर सकें और फास्टली हम इंफॉर्मेशन FDCS से ले सकें। थैंक्स एंड शेयर दिस वीडियो।